मुंबई में 1993 में हुए धमाकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा संजय दत्त की किस्मत का फैसला। टाडा अदालत ने सुनाई थी 6 साल की सजा। संजय दत्त ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की अपील। टाडा अदालत ने आर्म्स एक्ट तहत सुनाई थी सजा। 18 महीने जेल में बिता चुके हैं संजय दत्त। अगर सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले की पुष्टि कर दी तो बाकी बची सजा काटने के लिए जाना होगा जेल। अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी ठहराए गए थे संजय दत्त, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी सभी की निगाहें। गैर कानूनी तरीके से 9 mm की पिस्तल और 1/56 रखने के जुर्म में संजय दत्त साबित हुए थे दोषी। टाडा कोर्ट ने सजा पर लगाई थी मुहर। टाडा अदालत ने आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप से किया था बरी। सिर्फ अवैध हथियार रखने के मामले में ठहराया था दोषी। संजय दत्त समेत 100 गुनहगारों की किस्मत का होगा फैसला। 12 को फांसी, 20 को उम्र कैद की हुई थी सजा। 1993 में मुंबई में हुई सीरियल धमाकों के 20 साल बाद इंसाफ का दिन। पीड़ितों को सर्वोच्च अदालत से न्याय की आस। 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक 13 धमाकों से दहल उठी मुंबई। 57 की हुई मौत, 713 लोग हुए घायल। टाडा कोर्ट ने मामले में 100 लोगों को दोषी पाया था। सबूतों के अभाव में 23 लोग बरी हुए थे। मुलायम के पैंतरे से फंसी मनमोहन सरकार, कमीशन खोरी के आरोप को लेकर बेनी प्रसाद वर्मा के इस्तीफे पर अड़ी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने आज सुबह 9:30 बुलाई संसदीय दल की बैठक। सरकार पर दबाव बनाने के लिए बनेगी रणनीति। बेनी के इस्तीफे की मांग पर झुकने को तैयार नहीं समाजवादी पार्टी। बेनी के अफसोस जताने पर भी इस्तीफे की मांग पर अड़े। मुलायम के समर्थन पर बेनी ने दिया था बयान, समर्थन के बदले कमीशन खाने का लगाया था आरोप। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर बुधवार को संसद में जोरदार हंगामा। एसपी के सांसदों ने नहीं चलने दी सदन की कार्यवाही। सरकार बचाने के लिए खुद मैदान में उतरी सोनिया, मुलायम से मुलाकात कर मान मनोबल। कांग्रेस ने बेनी के बयान से किया किनारा। एसपी नेता राम आश्रय कुशवाहा ने सौदेबाजी के आरोपों से किया इंकार, कहा पूरा सदन बेनी के बयान के खिलाफ। मुलायम के समर्थन में उतरी सुषमा स्वराज, लोकसभा में कहा बेनी को किया जाए बर्खास्त, विलेज कमेटी को भेजा जाए मामला। लालू ने बेनी प्रसाद को दी जुबान पर संयम बरतने की सलाह, कहा समस्या पैदा करने वाले मंत्रियों को हटाने की जरूरत। बेनी के इस्तीफे की जिद पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कांग्रेस और एसपी के बीच का है मामला। लोकसभा चुनाव की आहट शुरू, राहुल ने कहा नेता अपने इलाकों में शुरू करें तैयारी। यूपी के सांसदों से मुलाकात के दौरान राहुल ने दी सलाह, जनता के लिए काम करने का निर्देश। एक दिन पहले कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आया था ऐसा ही संकेत, सोनिया ने चुनावी तैयारियों पर की थी बात। सियासी हलचल के बीच सरकार का दावा, फिलहाल बहुमत को लेकर कोई खतरा नहीं। उलट पुलट के बीच बने हुए राजनीतिक दोस्त, मुलायम के साथ सुषमा, रामगोपाल यादव ने की अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ। महाराष्ट्र विधानसभा में एएसआई की पिटाई करने वाले 5 विधायक सस्पेंड, आज पुलिस के सामने करेंगे सरेंडर। विधानसभा में बुलाकर पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाले सभी विधायक सदन से पूरे साल के लिए निलंबित, शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया बजट, सिगरेट तंबाकू शराब कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की बढ़ेंगे दाम, सूखा राहत फंड में जाएगा पैसा। बजट में नागपुर में एलिवेटेड मेट्रो चलाने के बाद सहमति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बजट पेश करते हुए अजीत पवार ने शिक्षा और बिजली उत्पादन को लेकर भी किए बड़े ऐलान, विपक्ष ने दावों से जताया असंतोष। तेलंगाना की मांग को लेकर आज आंध्र प्रदेश में फिर आंदोलन, तेलंगाना समर्थकों का आज हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे बंद करने का ऐलान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान, 5 मई को 224 सीटों पर होगी वोटिंग, 8 मई को आएंगे नतीजे। कांग्रेस और विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने कहा हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, कहा चुनाव से पहले सीएम के नाम की घोषणा नहीं।
बिहार में जेडीयू और बीजेपी में तनातनी। नीतीश ने कहा गठबंधन मजबूत लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता। जवाब में बीजेपी बोली 40 सीटों पर लड़ने को तैयार। राज्य के मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर कहा पार्टी में नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय। श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पर सर्वदलीय बैठक में नहीं बनी बात। लोकसभा में हंगामा जारी रहने का आसार। प्रस्ताव सभी दलों का मन टटोलने के लिए सरकार ने बुलाई थी बैठक। ज्यादातर दल प्रस्ताव लाने के विरोधी। 90 मिनट बैठक में सिर्फ डीएमके ने किया प्रस्ताव लाने का समर्थन। इसी मुद्दे पर डीएमके सरकार से खींचा था समर्थन। सुषमा स्वराज ने बैठक के औचित्य पर उठाए सवाल। सूत्रों के मुताबिक सुषमा ने कहा सरकार और डीएमके के विवाद में सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी भी प्रस्ताव के विरोध में कहा दोस्त श्रीलंका के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव ठीक नहीं। श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव लाने का जेडीयू ने भी किया विरोध लेकिन ममता बनर्जी ने किया सरकार का समर्थन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने फेसबुक पर कहा हमारी पार्टी तमिल भाई बहनों के हितों के साथ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आज श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका रखेगा प्रस्ताव। युद्ध के दौरान मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला। अमेरिका ने अपने प्रस्ताव में मानवाधिकार उल्लंघन का जोर शोर से उठाया है मुद्दा। मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग। श्रीलंका के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव का तमिलनाडु में जमकर विरोध। आज चेन्नई में हजारों की संख्या में छात्रों की रैली। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 5 साल की बच्ची को दरिंदे पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने आरोप को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक हिमांशु बीए सेकंड ईयर का छात्र। आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी माधु। दिल्ली में नहीं थम रही रेप की घटनाएं। साउथ दिल्ली में 42 साल की महिला ने रिटायर्ड कर्नल पर लगाया रेप का आरोप। पीड़ित महिला का बयान पिछले 5 साल से थी रिटायर्ड कर्नल से पहचान। घर बुलाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में किया रेप। निजी कंपनी में काम करने वाली महिला के मुताबिक बिजनेस डील के सिलसिले में हुई थी मुलाकात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू के राजौरी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। दो लड़कों ने अगवा कर रेप किया। पीड़ित के मुताबिक रेप के बाद आरोपियों ने की जान से मारने की कोशिश। दोनों आरोपी पड़ोस के रहने वाले। अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में महिला कारोबारी के घर बदमाशों ने डाला डाका। 4 लाख कैश और 10 लाख से ज्यादा के जेवरात लेकर फरार। बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। महिला कारोबारी और 6 साल के बच्चे को बंधक बनाकर लूटा। दिल्ली यूथ बॉर्डर से युवक को अगवा कर बदमाशों ने मारी गोली। युवक की हालत खतरे से बाहर। सभी बदमाश मौके से फरार। दिल्ली के अलीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में एक नामी बदमाश ढेर। पुलिस ने कुख्यात बदमाश मनोज मोरखेड़ी और उसके दो साथियों को पकड़ने का किया दावा। एक भागने में रहा कामयाब। अहमदाबाद की सेशन अदालत के बाहर गैंग वॉर से हड़कंप। दो गुटों में जमकर मारपीट और छुरेबाजी। एक गैंग ने दूसरे गैंग के गुर्गों पर चाकुओं से किया वार। खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद। सूरत में गांव वालों और पुलिस के बीच भिड़ंत। सरकारी जमीन पर हुआ विवाद। महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। शहर के नामी उद्योगपति शरद अग्रवाल और उनकी पत्नी के घर में घुसकर हत्या। पुलिस को बदमाश का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। सीसीटीवी फुटेज के जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश। छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्त से नाटकीय अंदाज में फरार हुआ नामी बदमाश। धनबाद में गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1 लाख रखा था इनाम। यूपी के हाथरस में चोरी के शक में पकड़े गए शख्स की दमकर धुनाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। कल्याण सिंह के बेटे और बीजेपी नेता राजवीर सिंह के स्वागत कार्यक्रम के दौरान हुई घटना। तमाशबीन बनी रही पुलिस। कल से दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट। टीम इंडिया की सीरीज में क्लीन स्वीप पर नजर।
कोटला में अजिंक्य रहाणे के खेलने के आसार, चोट के कारण शिखर धवन है मैदान से बाहर। पुजारा के घुटने में चोट की शिकायत, पूरी तरह फिट नहीं होने पर सुरेश रैना को मिल सकता है मौका। आखिरी टेस्ट से पहले कंगारुओं की भी बड़ी मुश्किलें, चोट के कारण अभ्यास कर मैदान में नहीं उतरे कप्तान क्लार्क। कमर की चोट से परेशान है माइकल क्लार्क, क्लार्क की गैर मौजूदगी में शेन वॉटसन कर सकते हैं टीम की कप्तानी। घुटने की चोट ने केविन पीटरसन को 2 महीने के लिए मैदान से किया बाहर, आईपीएल सीजन 6 से भी हुए आउट। दिल्ली में खुद पर लिखी किताब का सचिन ने किया विमोचन, धोनी के अलावा कई दिग्गज मौजूद। धोनी ने खोले कई राज, कहा पहली बार 2000 में दिलीप ट्रॉफी मैच के दौरान सचिन को दिखा, सोचा भी नहीं था कि इससे कभी मिल पाऊंगा। धोनी बोले, मैदान में तो सचिन के साथ सहज हूं, लेकिन मैदान के बाहर अब भी थोड़ी झिझक महसूस करता हूं। 30 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स के बीच चैरिटी फुटबॉल मैच मुकाबले को लेकर विराट कोहली और अभिषेक बच्चन उत्साहित। दिल्ली में शीला ने पेश किया टैक्स फ्री बजट, हर तबके के लिए तोहफे, 45 कॉलोनियों में मालिकाना हक का वादा। शीला दीक्षित के बजट में हर वर्ग के लिए तोहफे, घी और व्रत के सामान होंगे। 500 रुपए से कम कीमत के जूते चप्पल भी होंगे सस्ते, सीएफएल से भी कराया गया बैट। शीला दीक्षित ने बुजुर्गों के 1500 रुपए पेंशन का किया ऐलान, किन्नरों को 1000 रुपए भुगतान। शीला दीक्षित का विकास पर जोर, पूर्वी दिल्ली और कीर्ति नगर में मोनो रेल प्रोजेक्ट, 3 बस अड्डे बनेंगे आधुनिक। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की खास सौगात, दिल्ली में खुलेगा महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी। गरीबों पर भी शीला दीक्षित ने डाले डोरे, टीकरी कला में गरीबों के लिए 8,428 नए घर बनेंगे। झुग्गी झोपड़ियों पर भी दिल्ली सरकार कर रहे हैं, 42 जेजे कॉलोनी में मिलेगा मालिकाना हक। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने सरकार को कोसा, कहा बिजली और पानी के लिए तरस रही है दिल्ली। बीजेपी नेता साहब सिंह चौहान ने कहा, बजट से पहले ही लग चुके हैं बिजली के झटके, राहत का कोई प्रावधान नहीं। दिल्ली के स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने के मामले में शीला सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 17 अप्रैल तक मांगा जवाब। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, याचिका में स्कूलों और उसके 500 मीटर के आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने की है मांग। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में महिला कलाकारों ने बनाए पेंटिंग, 28 मार्च तक चलेगा आयोजन। दिल्ली के आजाद भवन में देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपने लोक नृत्य से बांध समापन, मंत्रमुग्ध हुए। बरसाना में लोगों पर चढ़ा होली का खुमार, श्रीजी मंदिर में धूमधाम से खेली गई लड्डू होली। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बीती रात कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश। सेंट्रल दिल्ली समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, कई जगहों पर बारिश के चलते ट्रैफिक धीमा। पश्चिमी दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश, तेज हवा के चलते मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली से तक नोएडा में भी बारिश, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 48 घंटे में फिर हो सकती है बारिश। बुधवार को नोएडा से कालिंदी कुंज के रास्ते दिल्ली जाने वाले आफत में 2 किलोमीटर तक लगा रहा जाम, जाम खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस के टूटे पसीने। पाकिस्तान में आम चुनावों का ऐलान, नेशनल असेंबली की 342 सीटों के लिए 11 मई को डाले जाएंगे वोट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इसराइल के दौरे पर, ओबामा पहली बार कर रहे हैं इसराइल का दौरा। इसराइल पहुंचते ही ओबामा को उठानी पड़ी परेशानी, अचानक खराब हुई लिमोजीन, सुरक्षा एजेंसियों ने ओबामा के लिए जॉर्डन से मंगवाई लिमोजीन।
उत्तरी जॉर्डन में बने सीरियाई शरणार्थी कैंपों में लग भीषण आग। जॉर्डन सरकार के मुताबिक हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। 1977 में छोड़ गया वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल से बाहर अंतरिक्ष के एक नए इलाके में पहुंचा। फिलहाल पृथ्वी से करीब 18 अरब किलोमीटर की दूरी पर।